से एक बार बड़ी बहन के नाते मेरी बात तो सुन लीजिए दीदी। कलिका, वक्त जाया मत करो, चलो। पापा आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। कहो सलोनी, अब क्या कहना बाकी रह गया है? मैं जानती हूँ दीदी, आपने जो खोया है वो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन एक बेगुनाह को सजा दिलाने से क्या आपका दर्द कम हो जाएगा? अपने दिल से पूछकर देखिए दीदी, क्या आपको वाकई लगता है कि क्षितिज की मौत के जिम्मेदार नाहर है? मैं आपका दर्द समझती हूँ दीदी, लेकिन एक बेगुनाह को सजा दिलाने के बजाय हमें मिलकर क्षितिज के कातिल तक पहुंचना चाहिए। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सलोनी, ऐसे हजारों केस लड़े हैं मैंने। और एक बात अच्छी तरह से तुम सुन लो, जब गुनहगार कोई अपना हो ना तो अक्सर उसका गुनाह नजर नहीं आता है। रिश्तों का वास्ता देखकर तुमने मुझे यहाँ रोक तो लिया, लेकिन मुझे अपना धर्म निभाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। दीदी एक बार दिमाग से नहीं दिल से सोच कर देखिए। दिल से सोचकर ही तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार को अपनाया था मैंने, वो सब कुछ भुलाकर जो तुम्हारे पिता ने मेरे साथ किया था। और तुम लोगों ने बदले में क्या दिया मुझे? एक विधवा की जिंदगी। तुम्हारे पति ने मुझसे सिर्फ मेरा सुहाग नहीं, एक बूढ़े बाप से तुमने उसका सहारा छीन लिया, उसकी आखिरी उम्मीद छीन ली। मैंने उस आदमी को वचन दिया है कि मैं उसको न्याय दिलवा कर रहूंगी। और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि जब राजपूतनी अपना वचन देती है तो उसे निभा कर रहती है। दीदी दीदी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, प्लीज दीदी ऐसा मत कीजिए। दीदी मेरी बात तो सुन लीजिए, ऐसा मत कीजिए दीदी, दीदी प्लीज। ये खबर पढ़कर मेरा दिल कांप गया है, आपने भी पढ़ी होगी। मुंबई के दहिसर इलाके में रहने वाली 28-29 साल के नीतल पुरिया ने आत्महत्या कर ली। कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कारण उसका रंग गोरा नहीं था। अफसोस, दुनिया में आज भी इंसान को उसके रंग रूप के कारण अपनाया या ठुकराया जाता है, जबकि रंग रूप तो ईश्वर की देन है। मैंने आपकी सलोनी ने भी इसी रंग के कारण अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मैं अपने सभी दर्शकों को यह कहना चाहूंगी कि किसी भी कमी के कारण मन में हीन भावना को घर ना करने दें, और रंग गोरा न होना तो कोई कमी है भी नहीं। इंसान की पहचान उसके स्वभाव, उसके गुण, उसके कर्मों से होती है। वो गोरा है, काला है या सांवला, उससे नहीं। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से नीतल पुरिया को श्रद्धांजलि देती हूँ।